कभी जाया नहीं गया, इसने आपको मजबूत किया, आपने विकसित किया भरोसा, सहन शक्ति, आत्मविश्वास। अब आप इस समय के लिए तैयार हैं, आप उस रनवे पर हैं टेक ऑफ करने को तैयार, आप परमेश्वर के अनुग्रह की अत्यधिक महानता देखने वाले हैं। दाऊद बाहर था चरवाहों की चारागाह में और ऐसा नहीं लगा था कि कुछ होने वाला है, पर वो अपने नियत समय पर आया। जब तक कि शाऊल ने उसे यह कहकर संदेश नहीं भेजा, मुझे वो दाऊद भेजो जो भेड़ों के बीच है, मुझे उसकी महल में जरूरत है, दाऊद शाऊल के लिए काम करने लगा। ये एक और कदम था उसके भाग्य की राह पर। वो अभी तक सिंहासन पर नहीं था, पर कम से कम वो महल तक पहुंच गया। गौर करें इस कथन पर, उस दाऊद को भेजो जो भेड़ों के बीच है। आपको शायद लगे कि आज आप भेड़ों के बीच हैं। दूसरे शब्दों में, आप उस चारागाह में हैं, आप कुछ कर रहे हैं जो महत्वहीन लगे। अब जानते हैं आप में कहीं ज्यादा है, पर आप साल दर साल पृष्ठभूमि में ही रहे हैं। निराश मत होइए, आपका समय आ रहा है। आप भेड़ों के साथ ही नहीं रहने वाले, परमेश्वर आपको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लाने वाले हैं। आप शायद चरवाहे की चारागाह में हो, पर अपना मूल्य कम न आंकें, वहीं कंफर्टेबल न हो जाएं। आप पर राजा का अभिषेक है, आपकी महान काम करने के लिए नियति तय है। महल आ रहा है, विजय आ रही है, तरक्की आ रही है, लोग इसे रोक नहीं सकते, बुरी ब्रेक्स नहीं रोक सकती, बीमारियों से नहीं रोक सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, जो उन्होंने आपके जीवन पर बोला है वो साकार रूप लेगा। मैंने कुछ साल पहले एक सिंगल पेरेंट मां से बात की, उसने बताया कि कैसे गुजारा कर पाना कितना बड़ा संघर्ष रहा, और उसे दो नौकरियों पर काम करना पड़ता लंबे समय तक, और उसे बुरा लगता कि वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती थी, उसके पास अपने लिए कोई खाली समय न रहता कि डेट करें या किसी किस्म की सोशल लाइफ रखें। लगता तो यही था कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। कहा जाए तो वो भेड़ों के साथ थी, वो चरवाहे की चारागाह में थी। वो चाहे तो निराश हो सकती थी और वहीं सेटल हो सकती थी, और वो अंदर ही अंदर जानती थी कि उस पर ये रानी का अभिषेक है। वो जानती थी कि वो बनी है लगातार संघर्ष करने से कहीं ज्यादा के लिए। सहे जाना, ज्यादा ना होना, वो खुद को याद दिलाती रही कि ये अभिषेक कोई भी जुआ तोड़ सकता है। सुनिए, गरीबी, अभाव, मुश्किल से गुजारा एक जुआ है, उसे अपने भाग्य के रूप में न स्वीकार करें। यीशु आए ताकि आप जी सकें बहुतायत का जीवन, ताकि हम सिर हो सकें न कि पूंछ। और हम सब सूखे के मौसम से गुजरते हैं, पर वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। किसी मुकाम पर उस सूखे का अंत होगा और आप देखेंगे बारिश की बहुतायत, अनुग्रह की बहुतायत। मुझे पसंद है दाऊद ने कैसे इसे भजन 23 में लिखा है। उसने कहा, यहोवा मेरे सिर पर तेल मलता है। आगे वो कहता है, क्योंकि मेरा अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आप अपने अभिषेक में चलते हैं ये जानते हुए कि आप कौन हैं और आप किसके हैं, तो किसी मुकाम पर आपका प्याला उमड़ेगा। आप देखेंगे परमेश्वर वो आशीष उड़ेल रहे हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे। अब आप चरवाहे की चारागाह में ही स्थापित होने की जरूरत ना करें, महल आ रहा है। एक दिन एक दंपति जो उससे कुछ दूरी पर रहता था, उनसे वो केवल एक बार मिली थी, उन्होंने उसे अपने घर डिनर पर बुलाया। उस रात उन्होंने उसे एक बिल्कुल नई कार की चाबियां दी जो उन्होंने उसके लिए खरीदी थी। अब वो अपनी कार बेच सकी, अपना ज्यादातर कर्जा चुका सकी, उस मुकाम पर उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। अब हाल ही में मुझे पता चला कि उसने इस बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से विवाह किया। अब वो और उसके बच्चे भेड़ों के बीच नहीं हैं, वो महल में हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है, अत्यधिक बहुतायत में सोच और तर्क से परे। मेरा पॉइंट यह है कि आप बस गुजारा करने के लिए ही नहीं बने कि बचे खुचे टुकड़े खाएं, चरवाहे की चारागाह में रहें। आप बनाए गए हैं विजय के लिए, बहुतायत के लिए, महल के लिए। वही परमेश्वर जिसने उसे बढ़ाया है वो आपको भी बढ़ा सकता है। आपके जीवन का अभिषेक लोगों को बाध्य कर सकता है कि वो आपका भला करे। ये आपको रखेगा सही जगह पर सही समय, लाते हुए अनुग्रह, उन्नति और बढ़ोतरी। दाऊद महल में था, राजा शाऊल के लिए सुरमंडल बजाता हुआ। ये एक टेम्पररी पोजिशन थी, इसे वहां ज्यादा समय तक नहीं रहना था, पर दाऊद अपने काम में इतना निपुण था, राजा शाऊल ने एक नया पद उत्पन्न किया खास दाऊद के लिए, वो आर्मर बेयर बना। यदि आप सर्वोत्तम बने रहेंगे वहीं जहां आप हैं और उसमें एक्सेल करेंगे जो आप करते हैं, तो सही दरवाजे हमेशा आपके लिए खोले जाएंगे। शायद आपकी नौकरी में प्रमोशन की जगह ना हो जहां तक आप इस समय देख सकते हैं, पर फिक्र मत करें, आपके वरदान आपके लिए जगह बनाएंगे।
अगर कोई पोजीशन नहीं है तो परमेश्वर उन्हें एक नई पोजीशन बनाने पर बाध्य करेंगे। और आप में से कुछ पार्ट टाइम है, आप विश्वास कर रहे हैं और काम के लिए, आपको तैयार होने की जरूरत है। दाऊद की तरह आप भी फुल टाइम बनने वाले हैं। आपने टेस्ट पास कर लिया है, आप चारागाह के प्रति वफादार रहे हैं। आप जानते थे कि आप में कहीं ज्यादा है, पर आप ढीले नहीं पड़े, आपने शिकायत नहीं की, आप विश्वास में कायम रहे, परमेश्वर की टाइमिंग पर भरोसा करते हुए। अब आपका नियत समय आ गया है, आप उस राजा के अभिषेक में कदम रखने वाले हैं। जो परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है वो उसे साकार करेंगे। बहुत साल बाद राजा शाऊल एक युद्ध में मारा गया। अब दाऊद का समय था, वो 30 साल का था और सिंहासन ग्रहण करने वाला था। इस समय इज़राइल दो राज्यों में बटा था, यहूदिया और हेब्रोन। 2 शमूएल 2 में लिखा है, यहूदिया के लोग आए और दाऊद का अभिषेक किया यहूदा पर राज्य करने को। उसने वहां 7.5 साल राज्य किया। दाऊद दोनों राज्यों को साथ लाया। जब वो 37 साल का था, हेब्रोन के लोग यहूदा के लोगों से मिल गए और उन्होंने दोबारा दाऊद का अभिषेक किया पूरे इज़राइल पर राज्य करने को। दिलचस्प यह है कि दाऊद का अभिषेक किशोरावस्था में ही हो गया था राजा बनने को। जब यहूदा के लोग उसका अभिषेक करने को दोबारा आए, उसने कहा होता, भाई मेरा अभिषेक हो गया है, कोई जरूरत नहीं, ये तब हुआ था जब मैं किशोर था। 7.5 साल बाद जब हेब्रोन के लोग पूरे इज़राइल का राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक करने आए, उसे कहा होता, ये जरूरी नहीं है, मेरा अभिषेक किशोर अवस्था में हो गया था और जब मैं 30 साल का था तब भी, मुझे दोबारा अभिषेक होने की जरूरत नहीं। नहीं, दाऊद समझ गया था ताजा अभिषेक पाने का महत्व। आप आज के युद्ध नहीं जीत सकते कल के अभिषेक पर, आपको ताजा अभिषेक की जरूरत होती है। बहुत बार हम अपने बलबूते कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये संघर्ष है, कोई प्रमोशन नहीं, बढ़ोतरी नहीं, ये हमें नीचे दबा रहा है। हम ये नहीं समझते कि हमें बस यही कहने की जरूरत है, प्रभु मुझे ताजा अभिषेक की जरूरत है, प्रभु मुझे नई शक्ति से भर दे, नए आइडियाज, नई क्रिएटिविटी, नई लगन से। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ताजगी भर देंगे। कारण कि कई चीजें बासी हो जाती हैं और हम बस सहते रहते हैं अपनी विवाह, अपनी नौकरी, क्योंकि हम अभिषेक को हिला नहीं रहे। लगातार हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे ताजा अभिषेक चाहिए मेरे विवाह पर, ताजा अभिषेक मेरे करियर पर, एक ताजा अभिषेक मेरे मन पर, मेरे विचारों पर, प्रभु मुझे सही नजरिए से चीजें देखने में मदद करें। यदि दाऊद सिंहासन पर बैठा होता बिना ताजा अभिषेक के, तो उसे वो सफलता और अनुग्रह न मिला होता जो उसके पास था। जब आप विनम्र होकर कहते हैं, प्रभु मैं इसे अपने बूते पर नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपके अनुग्रह, आपकी बुद्धिमानी की जरूरत है, प्रभु मुझे ताजा अभिषेक की जरूरत है, आप उन पर अपनी निर्भरता दिखा रहे हैं। जब आप उस तरह परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो वो आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमानी आपको देंगे, वो उपलब्धियां हासिल करने में मदद करेंगे जो आप अपने बूते पर नहीं कर सकते थे। जब भी आप नई पोजीशन शुरू करें या एक नई नौकरी, उस ताजा अभिषेक की मांग जरूर करें। लेडीज, जब आपके बेबी हो, प्रभु मुझे ताजा अभिषेक दें इस बच्चे को पालने के लिए। स्टूडेंट्स, जब आप एक नई क्लास शुरू करें, प्रभु मुझे ताजा अभिषेक दें इस सेमेस्टर के लिए। आप कह रहे हैं, प्रभु मैं तैयार हूं नए अवसरों के लिए, नई योग्यताओं के लिए, नई दोस्तियां, नए आइडियाज के लिए। शायद आज आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य, रुपया पैसा, आपके रिश्ते, बजाय इसके बारे में शिकायत करने के, आप क्यों नहीं कहते, प्रभु मुझे ताजा अभिषेक दे इस चुनौती से पार पाने को। ये अभिषेक है जो जुए को तोड़ता है, बिल्कुल जैसे यहूदा के लोगों ने उसके नए समय के लिए उसका अभिषेक किया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ताजा अभिषेक छोड़ रहे हैं। आप वहां जाएंगे जहां आप कभी नहीं गए थे, आप नेगेटिव परिस्थितियों को पलटते देखेंगे, व्यसन और बुरी आदतों की जंजीरें टूटती हुई, चंगाई, उन्नति, बहाली आ रहे हैं, आप अपने भाग्य की परिपूर्णता में कदम रखने वाले हैं। दोस्तों, आप पर राजा का अभिषेक है, रानी का अभिषेक है, मीडियोक्रिटी पर समझौता ना करें, अभिषेक को हिलाएं, हर सुबह खुद को याद दिलाएं, मेरा अभिषेक हुआ है, मैं लैस हूं, मैं सशक्त हूं। याद रखें, हमेशा उस ताजा अभिषेक की मांग करें। यदि आप ये करते हैं तो मैं दाऊद की तरह विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप अपने सिंहासन पर पहुंचेंगे, आप अपने दानवों को हराएंगे, बाधाएं पार करेंगे और वो सब बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है यीशु के नाम पर। यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए,
मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।